शुरुआत करें। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। तीन महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे वार्ता की जाएगी। सबसे पहले सुखद सूचना, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 6 जुलाई 2022 को किया गया था और उसके बाद से लगातार 2400 घंटे बिहार राज्य के नागरिकों की और विशेषकर जिनको इमरजेंसी में ज़रूरत है उनके लिए लगातार अहर्निश सेवा कर रही है, उसमें लगातार सुदृढ़ीकरण हो रहा है और हमारा टाइम ऑफ रिस्पांस यानी कोई भी सूचना आने पर कितनी देर में हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल वहाँ पहुँच रहे हैं उसमें लगातार कमी आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत में बताना चाहता हूँ कि 6 जुलाई के बाद से हम लोगों ने इसका आंकड़ा इकट्ठा करना शुरू किया था। सितंबर 2022 में लगभग 5,994, आप मान सकते हैं कि 6,000 कॉल एक महीने आती थी, लेकिन उस समय इसका औसत समय आता था 1 घंटे 8 मिनट का और उस समय नया ये सिस्टम था, वाहन चालकों की लगातार ट्रेनिंग, रिस्पांस ऑफिसर्स की लगातार ट्रेनिंग, पुलिस पदाधिकारियों की लगातार ब्रीफिंग और किस तरह से हमारे वाहनों को डिप्लॉय किया जाए उसको जब परिवर्तित किया गया और देखा गया कि आगे क्या परिवर्तन हो सकता है तो फिर अक्टूबर से हमने इसमें सुधार करना शुरू किया। अक्टूबर से लेकर के मार्च 2023 तक जहां पिछली बार मासिक औसत था 5,994, वो मासिक औसत बढ़ करके हो गया 37,733। शुरुआत में अवेयरनेस की भी कमी थी, कई लोगों को जानकारी नहीं थी, तो 5,000 के बजाय बढ़कर औसत मासिक कॉल का हो गया 37,000 और हमारा रिस्पांस टाइम था 50 मिनट का, जिसके बारे में आपको विस्तृत रूप से अवगत कराया गया था। हम लोगों ने पुनः इस पूरे सिस्टम की समीक्षा की, कहाँ कहाँ लूपहोल्स थे, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, किन कारणों से समय ज़्यादा लग रहा है और जब रीडिप्लॉयमेंट किया इस स्ट्रेटेजी को तो मई 2023 में प्रति माह जो कॉल थी वो 37,000 से भी बढ़ करके 95,753 मई 2023 में हमारी कॉल थी और हमारा समय घट करके हो गया 34 मिनट 31 सेकंड, जिसके बारे में आप प्रेस और मीडिया ने यह चलाया कि अब तो पिज़्ज़ा डिलीवरी से तेज पहुंच रही है बिहार पुलिस। लगातार हम लोगों ने अवेयरनेस भी रखी, लगातार हमारे पदाधिकारियों की ट्रेनिंग और रीडिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी की। जुलाई 2023 का मेरे पास में आंकड़ा है, 37,000 से बढ़कर के जब 95,000 कॉल हो गई थी मई में, जुलाई में ये आंकड़ा 1,00,000 को पार कर गया और अब जुलाई 2023 में 1,10,324 कॉल प्रतिमाह हमारे इस जुलाई महीने में हमारे पास में मंथली इवेंट के रूप में दर्ज की गई और हमारा समय अब घट करके 21 मिनट 49 सेकंड हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 22 मिनट से भी कम समय में पुलिस पहुंच रही है और 1,00,000 से अधिक 1,10,000 इवेंट्स को हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये बहुत सुखद सूचना है, लगातार हम लोग इस पर और सुदृढ़ कर रहे हैं। 1,10,000 से अधिक कॉल का आना इस योजना का, इस पूरी परियोजना का और ये जो जन उपयोगी सुविधा है इस पर पुलिस की जो रिस्पांस सिस्टम है उसके प्रति लोगों का भरोसा दर्शाता है। लोगों की अवेयरनेस के लिए भी लगातार कार्यक्रम आयोजित किए गए और अब ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एक स्टेबल टाइम 21 मिनट 39 सेकंड का कर लिया है, लेकिन हम लोग इसको और सुधार का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से ये 20 मिनट के अंदर आ जाए और फिर हम ये देखेंगे कि और इसमें नेक्स्ट फेज में क्या करना है। तो ये सूचना आपको देनी थी, आज हमने इसको अवगत किया। नहीं, हमारा रिस्पांस टाइम कम हो गया। घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि घटनाओं के बारे में इस प्रशासन और इस व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा और विश्वास इसलिए बढ़ रहा है कि हम कम समय में पहुंच रहे हैं। जब कोई सुविधा, अगर आपको हम 4 घंटे में पहुंचेंगे तो आप सोचेंगे कि हम दूसरे माध्यम से हम पुलिस को कॉन्टैक्ट करते हैं, हम थाना को कॉन्टैक्ट करते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का पर्पज़ ही ये है कि आप इमरजेंसी में हैं, डिस्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है,
हेल्थ रिलेटेड किसी को इमरजेंसी है या कहीं पर फायर रिलेटेड इमरजेंसी, तो वो आप तत्काल 112 को कॉल करें। सिंगल डायल, एक नंबर, सबको याद करने के लिए बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था है। अब चूंकि लोगों का भरोसा है इसलिए 110,000 की संख्या हम पहुँच गए, और भी संख्या बढ़ेगी जैसे जैसे लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ेगा। और जैसा कि आज मीडिया में आप लोग जब इसको चलाएंगे, मुझे भरोसा है कि इससे भी अवेयरनेस बढ़ती है। 110,000 लोगों को इवेंट नहीं, ये हमारी रजिस्टर्ड कॉल है और इसके हिसाब से रिस्पांस टाइम हमने कैलकुलेट किया। दूसरे, बिहार के मुख्यमंत्री बिना सीट बेल्ट के घूम रहे हैं पटना में, क्या कार्रवाई हुई इस पर? मेरे आपके पास में वीडियो है तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं। आईपीआरडी ने जारी किया, आईपीआरडी ने वीडियो जारी किया, मेरे पास में नहीं जानकारी, आपके पास हो? सर एक सवाल है कि आपने मिनी गवर्नमेंट एक्ट को लेकर उपलब्धि बताई कि 2021 में इतना, 21 में, 22 में, 23 में। सवाल ये है कि आखिर ये मिनी गवर्नमेंट फैक्ट्री लगातार उसका इस तरह से क्यों बनाया जाता है, और वो जो हथियार सामान है वो कहाँ सप्लाई हो रहा है? आपने सप्लाई चेन पर सवाल है। दूसरी चीज़ की किस मत में ये कहाँ जा रहा है, क्या अपराधियों को संरक्षण मतलब भेजा जा रहा है? सेकेंड सवाल उसी से रिलेटेड है, कारतूस बरामद किया आपने, बड़ी उपलब्धि गिनाई, कारतूस का कोई फैक्ट्री नहीं मिलता है, कारतूस कहाँ से आते हैं? फोर्सेस से आते हैं, फोर्सेस जो है वो मुहैया करा रही है, पुलिस डिपार्टमेंट से या अर्धसैनिक बल है, ये गोलियाँ कहाँ से आ जा रही है लोगों के पास, उसका अनुसंधान में क्या कुछ आया है? आपको मैं जानकारी दे दूँ, हथियार की तस्करी पूरे विश्व में 3-4 जो मुख्य तस्करी हैं उसका एक प्रमुख अंग, हथियार की तस्करी, ड्रग की तस्करी, मानव तस्करी, ये बहुत बड़े अपराध हैं और इनका एक बहुत बड़ा आयाम है। बिहार में प्रारंभ से मिनी गन फैक्ट्री रहने का, उनको चलाने का और उनको बेचने का कुछ पॉकेट्स में इतिहास रहा। हाल के दिनों में पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई हुई, उस बड़ी कार्रवाई के चलते अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गया। उन राज्यों का नाम लेकर के मैं किसी अन्य राज्य के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग अवगत हैं। अन्य राज्यों में अब यहाँ के लोग अब यहाँ नहीं बनाते हैं, जो जेल में हैं वो उनके बाकी लोग, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग बना रहे हैं तो आपने जो कहा उन सभी स्रोतों के माध्यम से हम अनुसंधान करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और आसूचना डेवलप करते हैं। हथियार खरीदने वाले कौन हो सकते हैं? कोई अपराधी होगा। हथियार बेचने वाले कौन होगा? जो इसका डीलर या मिडिलमैन होगा। कारतूस खरीदने की डीलिंग कहाँ होती है, हथियार कहाँ पहुँचा जाते हैं, ये सब हमारे अनुसंधान और हमारी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। आखिरकार उसी आधार पर ही हम किसी लीड तक पहुँचते हैं और लीड के बाद में उस आसूचना को डेवलप करते हैं। कई बार मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन में पुलिस कर्मियों को कई ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिसका खुलासा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकता हूं, और कई बार भेष बदल करके या तरीका बदल करके पुलिस कर्मियों को जा करके खरीदने का बहाना कर करके उनको पकड़ना पड़ता है। ये सब अनुसंधान और तकनीक का विषय, इससे ज़्यादा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं बताऊँगा। जो आपने बात कही उसमें NIA भी जांच कर रही है। मुंगेर में जो AK-47 पकड़ी गई थी उसकी जांच NIA भी कर रही है, और कश्मीर में आज से 2 साल पहले जो हथियार पकड़ा गया था उसने ये बताया था कि हमने इसको बिहार से खरीदा था, तो उसके फॉलोअप में भी बिहार में कार्रवाई हुई थी। तो जहां कहीं भी पकड़ा जाता है, दिल्ली में हम लोगों के इनपुट पर बहुत बड़ा तस्कर करीब 4 साल पहले पकड़ा गया था, तो अन्य राज्यों में भी जो बरामदगी होती है उसी तरीके से हम लोग इसमें भी कार्रवाई करते हैं। उसी तरह से गांजा तस्कर, अब गांजा की तस्करी जहां से हो रही है, जिस राज्य में पकड़ा जाता है उससे पूछने पर पता चलता है कि कहां जाने वाला था या कहां से वो लाया जा रहा था। तो तस्करी के अनुसंधान और इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड पॉइंट है, जहां पकड़ा गया केस वहां होगा, कहां से लाया जा रहा था वहां पे हम लोग छापेमारी करते हैं, कराते हैं, और कहां जा रहा था वहां भी छापेमारी करते हैं। हमारा अनुसंधान इससे ज्यादा मैं आपको नहीं करूंगा। थैंक यू। बिल्कुल चिन्हित किए गए। आप मुझसे अनुसंधान की जानकारी मत, गोली तस्कर पकड़ाया,
पहले 315 बोल के कटी बरामद होते थे, अब 7.65 हथियार पर एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हथियार जितनी मिनीगन फैक्ट्री और जितने हथियार पकड़े गए हैं आप उनकी संख्या देखिए, हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। बगहा जिले में और मोतिहारी जिले में महावीर झंडे को लेकर के सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुए थे, उसमें पुलिस के द्वारा लगातार ठोस कार्रवाई की गई है। बगहा जिला पुलिस में कुल 9 प्राथमिकी अभी तक दर्ज की गई है पूरे उपद्रव को लेकर के, और इसमें 70 उपद्रवी तत्वों को अभी तक बगहा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है, 24 घंटे वहाँ सघन पेट्रोलिंग की जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इस मामले की तहकीकात करनी शुरू कर दी। अभी तक के जो इसमें अनुसंधान के बिंदु आए हैं, जो भी इंक्वायरी हुई है पुलिस की, उससे ऐसा पता चलता है कि कुछ भड़काऊ भाषण और पोस्ट फेसबुक पर पहले से प्रचारित हुए, इंस्टाग्राम पर प्रचारित हुए, और कुछ हद तक व्हाट्सएप पर भी इन भड़काऊ भाषणों को प्रसारित किया गया। पुलिस के द्वारा, बगहा पुलिस के द्वारा 2 इस तरह के भड़काऊ भाषण के पोस्ट करने के मामले बगहा के साइबर थाना में दर्ज कराए, और इसके अलावा एक नगर थाना में FIR दर्ज कराया गया है, जिसमें भी भड़काऊ भाषण के होने के कारण इस तरह के सांप्रदायिक तनाव के बिगड़ने की बात कही गई है। उन 3 कांडों का आज आदेश हो गया है, अनुसंधान अब आर्थिक अपराध इकाई करेगी, और आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम को चिन्हित कर दिया गया है। वह विशेष टीम अब इन 3 कांडों का उद्भेदन कर रही है, और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपको बताया, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर पहले से मैसेज जो चल रहे थे उसके बारे में हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। इन सभी मामलों में भारतीय IPC यानी भारतीय दंड विधान की गंभीर सांप्रदायिक उत्तेजना फैलाने संबंधी जो कांड है, 153A, 295A आदि धाराओं का प्रयोग किया गया, IT एक्ट की भी समुचित धाराओं का इसमें प्रयोग किया गया, षड्यंत्र की 120B जो धारा है कॉन्स्पिरेसी की उसको भी लगाया गया, और इन 3 मामलों को हम लोग बहुत ही गंभीरता से और गहराई से और तेजी से जांच कर, और इसके बाद बगहा साइबर थाने में 2 कांड दर्ज हुए थे, 14/23 और 15/23 वो कांड, और बगहा थाने में, लोकल थाने में कांड दर्ज हुआ था 583/23। इन 3 कांडों का अनुसंधान अब आर्थिक अपराध इकाई करेगी, उनकी विशेष टीम गठित कर दी गई है, और इस पूरे मामले पर जो भी भड़काऊ भाषण देने वाले सोशल मीडिया के माध्यम पर जो भी इस तरह का पोस्ट करते हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन इससे जुड़ा हुआ होगा उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक 70 लोगों की गिरफ्तारी बगहा पुलिस के द्वारा कर दी गई है, और 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी इनके जो साइबर से रिलेटेड केस था उसमें की गई। इसी प्रकरण में मैं आपको बता दूं कि मोतिहारी में भी कुछ आंशिक तनाव और इस तरह की घटनाएं हुई थी। मोतिहारी के दरपा थाने में, महसी थाने में और कल्याणपुर थाने में कुछ घटनाएं हुई थी। इन 3 थानों में कुल मिलाकर के 4 कांड वहाँ भी दर्ज किए गए और उसमें भी 9 व्यक्तियों की अरेस्टिंग कर ली गई। कुल मिलाकर के दोनों जिलों पर, यानी बगहा और मोतिहारी जिलों पर, वर्तमान में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। अब हम लोगों का अनुसंधान, जैसा आपको बताया, बहुत ही गहराई से होगा, और हम लोग इन पूरे तहकीकात करके आपको बताएंगे जब इसमें आगे की कार्रवाई होगी। सर, जो वीडियो सामने आया था जहां पथराव चल रहे थे जिस घर से, वहां से गिरफ्तारी हुई किसी लोगों की? देखिए, अभी मेरे पास में जो आंकड़ा है और जो जानकारी है किस व्यक्ति की कहां से और किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, वो बगहा पुलिस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आएगा। जैसा आपको बताया कि 9 कांड दर्ज हुए हैं, 6 कांडों का अनुसंधान अभी बगहा पुलिस करेगी, 3 कांडों का जो साइबर से रिलेटेड है और जिस सोशल मीडिया के दुष्प्रयोग और सोशल मीडिया को वेपन बना करके किस तरह से लोग भड़काऊ भाषण, उत्तेजनात्मक भाषण और सांप्रदायिक सौहार्द को विध्वंस करने वाले जो पोस्ट हुए हैं उनकी हम तहकीकात करेंगे। वो लगातार बता रहे थे, अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध हमारी लगातार कार्रवाई होती है, और अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध हथियारों का
एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। हथियार उन लोगों तक न पहुँचे, अपराध कर्मियों के हाथों में न पहुँचे, उसके लिए हमारी विशेष स्ट्रेटेजी है इस साल की कि हम लोग मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करें। मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन में अभी तक हम लोगों को बहुत अच्छी सफलताएं मिली हैं। इसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूं कि अगस्त महीने में अभी तक 4 जगह पर मिनी गन फैक्ट्री का हमने उद्भेदन किया। 1 अगस्त को मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना अंतर्गत ऋषिकुंड पहाड़ पर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जिसमें अनेकों उपकरण बरामद हुए। 17 अगस्त को औरंगाबाद के कस्मा थाना अंतर्गत मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे उपकरण इसमें भी बरामद किए गए। 25 अगस्त को लाखो ओपी अंतर्गत एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त छापेमारी में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। 9 अभियुक्तों को वहां से गिरफ्तार किया गया। अर्धनिर्मित पिस्तौल, बैरल, मोबाइल, मोटरसाइकिल, नकद काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पर उपलब्धि हुई। 26 अगस्त को नौगछिया के गोपालपुर थाना अंतर्गत मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए कुख्यात तस्कर मुकेश ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। वहां से भी भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देशी कट्टा, बैरल, ट्रिगर इत्यादि को बरामद किया गया। ये 4 उपलब्धि हमारी अगस्त तक की हैं। अभी अगस्त के महीने में कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए अगस्त तक का फिगर हम आपको नहीं देंगे। हम आपको दे रहे हैं जुलाई तक का फिगर, और आप इसको समझिए। 2021 में 61 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, 2022 में 32 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, और जुलाई तक 27 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हो गया, जिसमें अगर ये 4 हम जोड़ देते हैं तो आज तक हमारे 31 हमारी उद्भेदन हो चुका है। पिछले वर्ष केवल 32 उद्भेदन हुए थे पूरे साल में। तो इस प्रकार से लगातार हथियार तस्कर, हथियार बनाने वाले और इस तरह से जो आपराधिक गिरोहों को हथियार की आपूर्ति करते हैं, उसमें बहुत सारे हथियारों की खेप को हमने बरामद किया। अर्धनिर्मित पिस्तौल, बैरल, ट्रिगर बनाने के उपकरण, लेथ मशीन और बहुत जगहों से जो अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया, उससे अभी हम आगे पूछताछ कर रहे हैं। जो मोबाइल फ़ोन वहाँ से बरामद हुए हैं उनका भी तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं, जो अभी अगस्त में हुआ। इसके बाद हम अभी और भी छापेमारी करेंगे, जो जैसे ही उद्भेदन होगा, कुछ समय लगता है ट्रैक करने में, इंटेलिजेंस गैदर करने में, डेवलप करने में, वो जैसे होगा हम आपको। सर, ये साल दर साल उद्भेदन किया जा रहा है तो क्या, क्योंकि प्रोडक्शन सेंटर ये है तो सप्लाई हो रहा होगा। मैं आपको सब बता रहा हूँ। अवैध हथियार की बरामदगी का 3 साल का आंकड़ा है, वैसे तो और भी सालों के आंकड़े होंगे, लेकिन 3 साल का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। वर्ष 2021 में 3,951 अवैध हथियार, वर्ष 2022 में 4,288 अवैध हथियार, और माह जुलाई तक का फिगर है 2023 में 2,800 अवैध हथियारों को भी हमने बरामद किया। नियमित आग्नेयास्त्रों की अगर बरामदगी की बात करें तो 30 2021 में, 78 2022 में और 49 जुलाई 2023 तक। कारतूसों की बात करें तो 14,084 2021 में, 2022 में 28,200 कारतूस, और जुलाई तक इस वर्ष 19,419 कारतूस बरामद हुए। 70 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जो वहां पर वायलेंस हुआ, पत्थरबाजी हुई, दोनों पक्षों से जो भी कार्रवाई हुई उसमें दोनों पक्षों पर कार्रवाई की गई। इसी तरह से मोतिहारी में 4 FIR हुई है और 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कितने लोग हैं इसमें अभी तक FIR हुआ सर? वो जानकारी नहीं है कितने लोगों पर FIR हुई, वो अनुसंधान के क्रम में जैसे आएगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, घटना हुई, थैंक यू। घटना का अनुसंधान आपने किया, FIR किया, आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि महावीर झंडे निकलने वाला है, इसकी जानकारी थी, जो आयोग थे वो पुलिस को सूचना दे रखे थे, प्रशासन से अनुमति ले रखे थे, फिर क्या इस बात की सूचना, इस बात का आकलन आपका खुफिया विभाग नहीं कर पाया कि ऐसी कोई घटना होने वाली है? पहले से तैयारी नहीं थी? कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें बहुत सारे कारण, बहुत सारे तत्व रहते हैं, उन सभी की जांच की जा रही है। अभी प्राथमिकी दर्ज की गई, आपको बताया गया 9 प्राथमिकी दर्ज हैं, 6 का जिला पुलिस अनुसंधान कर रही है, उसके लिए विशेष टीम गठित है, 3 का EOU गठित करेगी। सोशल मीडिया पर पहले से ही योजना बना करके भड़काऊ भाषण फैलाने की बात अभी प्रकाश में आ रही है, जिसके संबंध में अब आर्थिक अपराध इकाई गहन जांच करेगी, गहराई से जांच करेगी,
और तेजी से जांच करेगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से इसका षड्यंत्र किया गया। और जब कोई भी मामला षड्यंत्र के तहत होता है तो जब सामने आता है हम लोग तत्काल कार्रवाई करके अभी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। 70 आदमियों को जेल में भेजना, गिरफ्तारी करना एक पुलिस का एक कदम है, और आगे भी हम लोग अनुसंधान के क्रम में जो भी व्यक्ति आएंगे, आपने कहा कि और भी व्यक्ति जो नामजद हैं या जो गैर नामजद हैं जिसकी भी भूमिका है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। स्थिति शांतिपूर्ण है। सर, इन दोनों जगहों पर इंटरनेट बैन भी किया गया, कुछ देर के लिए बैन हुआ है, अभी क्या स्थिति है वो मेरे पास में वो जानकारी नहीं, हम आपको प्रेस नोट में इस चीज़ को हम डाल देंगे कि अभी क्या स्थिति। थैंक यू। इसके कारतूसों से ज़्यादा है तो लगातार अवैध हथियार, अवैध कारतूस किस तरह से अपराधियों तक पहुँच रहे हैं, हमारी स्पेशल टीम सभी जिलों में कार्यरत है, उनसे आसूचना आती है, एसटीएफ की विशेष टीमों को इसमें लगाया गया है। जहां पर भी मिनी गन फैक्ट्री का संचालन होता है तो हथियार बनने से पहले ही हम लोग उनको पकड़ लें, ये हम लोगों का उद्देश्य होता है। जैसे ही हम लोग को सूचना मिलती है हम लोग इसके बारे में कार्रवाई करते हैं। बहुत जल्दी एक टोल फ्री नंबर हम जारी कर रहे हैं, उस टोल फ्री नंबर पर कोई भी पब्लिक किसी भी तरह की सूचना दे सकती है, उसके बारे में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताएंगे। और आम जनता से जुड़ करके बेहतर समाज को बनाने के लिए, व्यवस्थित समाज को बनाने के लिए, शांत और हर तरह से बेहतर समाज रहे जिसमें विधि व्यवस्था की कम से कम समस्या हो, हम लोग जुड़ करके कार्रवाई करेंगे। उस टोल फ्री नंबर को हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताएंगे। पूरी पुलिसिंग के लिए टोल फ्री होगा। हम लोग चाहेंगे कि इसको 112 तो है आपके लिए, 112 तो इमरजेंसी में है, आप किसको गुप्त सूचना देना है तो टोल फ्री नंबर भी हम लोग जारी कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर पे हम लोग चाहेंगे आम जनता से कि आप अपनी सूचनाएं भी दें, हम लोग उसको जारी करें। जो भी अनुसंधान के क्रम में जो भी लैप्सेस हैं, किसी की कोई कमी है तो हम लोग हमेशा कार्रवाई करते हैं, इस मामले में भी करेंगे। अगर कोई लैप्स हुआ है तो कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल था, बुनियादी विद्यालय में सर शिक्षक एवं लाइब्रेरियन के लिए ही कंप्लेंट डैशबोर्ड से सर आया था, लोगों ने शिकायत दर्ज की थी। पुलिस विभाग जी यहाँ भी आया था, उसकी पुलिस विभाग से संबंधित नहीं नहीं सर, ये मैं आपको बताऊं नहीं, क्या आपका मामला पुलिस विभाग से संबंधित है? ईओयू में दिया है उन्होंने, क्या एक कंप्लेन आया था कि बड़े स्तर पर यहाँ पर इसमें नियुक्ति में सर मतलब लोगों से पैसा करोड़ों रुपए ठगे गए हैं। किसी स्पेसिफिक कंप्लेन या मैंने एक पिटीशन दिया उस पर क्या कार्रवाई है? आर्थिक अपराध इकाई में संबंधित व्यक्ति जाकर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं सूचना देने के लिए, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, पत्र के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर को आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल फॉरवर्डिंग होता है तो आपको टोल फ्री नंबर यहाँ पे पहले का जो बिहार पुलिस मुख्यालय का ये शिकायतों, ये जनरली देखिए अब हर तरह की अगर पूरे राज्य की शिकायत एक टोल फ्री नंबर पर आएगी तो यहाँ भी बिजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग मैकेनिज्म सोच रहे हैं और आपके माध्यम से ये अवगत कराएंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय का पहले का टोल फ्री नंबर बंद हो चुका है या वो भी जब नहीं, हम नया नंबर चालू कर रहे हैं, एक नया नंबर आपको देंगे और उस नए नंबर पर जैसे ही आप लोग हमको अवगत कराएंगे हम लोग उस पर जो भी उचित कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तीसरी लाइव चलिए शुरू कर नहीं, सब लोगों के रहने से थोड़ा सा विविधता रहती है। समय भी जाया होता है और आपको तकलीफ भी बहुत होती है, उसको तो पढ़ा हुआ मान लिया जाए।